हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉफ्ट शीन इमल्शंस लग्जरी रेंज की सेकंड कैटेगरी के अंदर। जो ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये है रॉयल लग्जरी इमल्शन एशियन पेंट्स का, ये है सिल्क बर्जर पेंट्स का, और ये है वेलवेट टच पर विंडो फिनिश के साथ, ये है ड्यूलक्स एक्जनोबल का प्रोडक्ट। जो ये तीनों प्रोडक्ट्स आप सामने देख रहे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स सेम प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। ये तीनों प्रोडक्ट्स स्क्रैच रेजिस्टेंट है, एंटी फंगल है, एंटी एल्गी है, और इसमें लो वीओसी है। लो वीओसी को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। लो वीओसी होता है जब पेंट बनता है फैक्ट्रीज के अंदर, तो जिस प्रोसीजर से वो बनता है उसके अंदर थोड़ा केमिकल फॉर्मुलेशन पेंट्स के अंदर रह जाता है, जो आपके घर में भी आता है, जो चीज़ थोड़ी हार्मफुल होती है आपके घर के लिए, आपके हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। इन पेंट्स के अंदर वो चीज़ कम कर दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स आए हैं उसके थ्रू। जो इसमें शेड्स की रेंज हमें मिलती है वो 2300 प्लस शेड्स आपको इसमें अंदर मिलते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो इसका प्राइस रेंज है वो 400 से 500 रुपये पर लीटर का है। और कवरेज की बात करें तो कवरेज इसकी अराउंड 120 से 130 स्क्वायर फुट है डबल कोट के अंदर। और ड्राइंग टाइम इसकी बात करें तो इसको एक कोट कोट सूखने के लिए कम से कम 4 से 6 घंटे चाहिए। बाकी मॉइस्चर और वेदर भी इस पर डिपेंड करता है कि अगर आप समर्स में करा रहे हैं, हॉट समर्स है, तो वो पेंट जल्दी सूखेगा, और विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि पेंट के अंदर भी मॉइस्चर होता है उसको सेट करने के लिए। ये प्रोडक्ट्स आपको थोड़े से कॉस्टली लग सकते हैं, बट ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये एंटी फेडिंग है। एंटी फेडिंग मतलब इसकी जो लाइफ आएगी वो कम से कम 5 से 6 साल आएगी। अगर आपकी दीवार पे सीपेज नहीं है, कहीं सीलन नहीं है, कोई क्रैक नहीं आया, कोई रिपेयर नहीं हुआ, तो इनकी लाइफ कम से कम 5 से 6 साल है। इसमें जो कलर आप बनवाएंगे या आप नॉर्मली वाइट भी यूज़ करेंगे तो वो फेड नहीं होगा, कहीं आपको डल नहीं दिखेगा वो। और इससे आपकी जो आप नेक्स्ट बार पेंट कराएंगे, अगली बार आप पेंट करवाएंगे अपने घर पे, ऑफिस, कहीं पे भी पेंट कराएंगे, तो उसमें आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, क्योंकि ये सिंगल कोट ही लगेगा इसका, इस प्रोडक्ट का। अगर आप सेम शेड करा रहे हैं, कोई और शेड करा रहे हैं तो उसमें फिर वो नए तरीके से करना पड़ता है, प्राइमर करनी पड़ती है, उसका पुट्टी सारा का सारा वही वाला प्रोसीजर करना पड़ता है जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी जिसकी। अब पेंट से हट के मैं थोड़ी सी जनरल बात करना चाहूँगा इन लग्जरी मर्चेंट्स को छोड़ के। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, वो परेशान होकर आते हैं कि हमें नॉर्मल शेड चाहिए जो हमने पहले कराया था, क्योंकि शेड की रेंज इतनी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं जैसे 2300 प्लस शेड्स है इसके अंदर, तो परेशान होकर आते हैं कि हमें पहले जैसा शेड ही चाहिए जो हमें चाहिए था, हमने करवा रखा है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उनके पास ना नंबर होता है, ना शेड कोड होता है, ना कंपनी का पता होता है। सो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि अपनी एक की कहीं पर मेमोरी या किसी डायरी में या मोबाइल में कहीं उसकी फ़ोटो खींच ले शेड की, हेल्प हो जाएगी कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर सेम शेड चाहिए, सेम प्रोडक्ट में चाहिए, तो बस आपको सिर्फ वो शेड का कोड बताना है और आपको दुकानदार ने उस चीज़ को बना के दे देना है। आपको हेल्प होगी, आपका टाइम बचेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, और तब तक प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड बेल आइकन को दबा दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।